Now we are starting chapter number 61, Venice, the city of water. So, यहाँ पर हम वेनिस के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानेंगे. वेनिस इज अ सिटी इन नॉर्थ ईस्ट इटली. ये नॉर्थ ईस्ट इटली में एक शहर है वेनिस. इट इज सिचुएटेड ऑन अ ग्रुप ऑफ 118 स्मॉल आइलैंड. ये एक 18 स्मॉल आइलैंड्स का एक ग्रुप पर ये सिचुएटेड है, सेपरेटेड बाय कैनल्स एंड लिंक्ड बाय ब्रिजेस. जो कैनल्स के द्वारा सेपरेट किया गया है और जोड़ा गया है ब्रिजेस के द्वारा. ओके, सो रीड अबाउट सम फेमस प्लेसेस ऑफ द सिटी एंड नेम देम. सो चलिए, नंबर वन पर है, इट इज़ अ प्लेस. ये जो आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, इट इज़ अ प्लेस built in Venetian Gothic style. ये बना है Venetian Gothic style में. The place was the residence of the Doge of Venice. ये रहने की जगह थी, residence था Doge of Venice का, the supreme authority of the Republic of Venice. Venice की Republic की सबसे बड़ी authority का ये residence था. और आज की डेट में ये म्यूजियम है, और ये म्यूजियम बना था 1923 में, और इसका नाम है डॉज प्लेस. ओके, सेकंड नंबर पर हम देखते हैं, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, इट इज एन 11 किलोमीटर लॉन्ग सैमडार लोकेटेड इन दिस सिटी. ओके, द वेनिस फिल्म फेस्टिवल टेक्स प्लेस हेयर. यहाँ पर वेनिस का फिल्म फेस्टिवल होता है हर साल सितंबर में, और इसका नाम है द लिडो. ओके, द लिडो. नंबर थ्री पर वी हैव, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट नोन ओपेरा हाउस इन यूरोप. ये यूरोप के बेस्ट ओपेरा हाउस में से एक है, और इसका जो नाम है, इट्स नेम रिफ्लेक्ट्स इट्स रोल इन अलाउइंग एन ओपेरा कंपनी टू राइज फ्रॉम द एशेस आफ्टर लॉसिंग द थिएटर टू फायर. और इसका जो नेम है वो अपना रोल रिफ्लेक्ट्स इट्स रोल अपना रोल रिफ्लेक्ट करता है इन अलाउइंग एन ओपेरा कंपनी, एक ओपेरा कंपनी को अलाउ करने में, जब इस थिएटर ने आग में सब कुछ खो दिया था और वो सिर्फ ऐश रह गया था. ओके, और इसका नाम है टीट्रो ला फेनेस. टीट्रो ला फेनेस. सो बच्चों, आपको ये तीनों नेम्स लर्न करने हैं, और इस इंफॉर्मेशन को भी, और इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है. थैंक यू.